नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। फटाफट खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ शिप्रा। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर करारा हमला। आरा में एक कार्यक्रम से पहले तेजस्वी ने कहा कि चाचा नीतीश हैं डरपोक और लाचार, इसलिए बिहार के मुद्दों पर बीजेपी से कर रहे समझौता। सीबीएसई 10वीं के नतीजे हुए घोषित। 86.7% स्टूडेंट्स हुए पास। 4 स्टूडेंट्स को मिले 500 में से 499 अंक। पटना में नीट परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े मामले में पुलिस ने प्रेम प्रकाश विद्यार्थी नाम के शातिर को पटना से किया गिरफ्तार। दिल्ली के विजय बत्रा से 25 लाख रुपए का ठगी का आरोप। देश में निपा वायरस का फैला आतंक। वहीं मुजफ्फरपुर के बादुर छपरा गांव में चमगादड़ की होती है पूजा। गांव वालों का कहना है कि चमगादड़ से नहीं फैलता निपा वायरस। देश में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम आसमान पर। बिहार के सीमाई इलाकों में लोगों ने लगाया जुगाड़, नेपाल से खरीद रहे हैं पेट्रोल और डीजल। नई दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के वकील के घर से लाखों की चोरी का मामला साफ। घर की नौकरानी ने दिया था चोरी को अंजाम। बिहार के सुपौल से आरोपी गिरफ्तार। बिहार के नालंदा में फायरिंग और बमबाजी की घटना में दो लोग घायल। आपसी विवाद में धूल पकड़ा। बिहार शरीफ थाना इलाके के नदी मोड़ की घटना। बिहार के जहानाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। विशुनगंज थाना ओपी क्षेत्र के काजी बीघा गांव से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस के साथ एक महिला सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। सूबे में शराब तस्करी का खेल लगातार जारी। भोजपुर पुलिस ने 1049 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 9 तस्कर को किया गिरफ्तार। बरामद शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए से अधिक। कल से 48 घंटे तक सरकारी बैंक और एटीएम सेवाएं रहेंगी बंद। सरकारी बैंकों को निजी करने और वेतन के समझौते सहित कई मुद्दों के विरोध में 10 लाख से अधिक कर्मचारी करेंगे हड़ताल। खगड़िया में मानसी रेलवे स्टेशन के पास बड़ा रेल हादसा टला। सहरसा से आ रही कोसी एक्सप्रेस ट्रैक्टर से टकराई। भिड़ंत में जान माल का कोई नुकसान नहीं। बिहार के गया में सियालदह राजधानी एक्सप्रेस पर कुछ बदमाशों ने की पत्थरबाजी। इस वारदात में 6 यात्री घायल। बिहार के प्रशासनिक महकमे में भारी फेरबदल। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 7 अधिकारियों का हुआ तबादला। आईएएस अधिकारी दीपक कुमार बने बिहार के नए मुख्य सचिव। बिहार में आंधी तूफान और बिजली गिरने से मरने वालों की तादाद 19। आंधी तूफान ने मचाई बिहार में भारी तबाही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजस्थान में। कर्नाटक के बाद अब नीतीश राजस्थान में लड़ेंगे चुनाव। राजस्थान में चुनिंदा सीटों पर पार्टी के उतारेंगे उम्मीदवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 4 दिनों के इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया के दौरे पर। इस दौरे से देश की एक्ट ईस्ट नीति को मिलेगा बढ़ावा। कटिहार में आवास से फरार हुए एडीएम जफर रकीब की अप्राकृतिक यौनाचार मामले में होनी थी गिरफ्तारी। 25 मई को लिपिक ने लगाया था अप्राकृतिक यौनाचार का आरोप। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में पुलिस की सनक सड़कों पर देखने को मिली। पुलिस ने 2 आरोपी को शातिर अपराधी की तरह गले में तख्ती लटकाकर पूरे शहर में घुमाया। मुजफ्फरपुर जिले से कट्टेबाजी करते युवकों की वीडियो हुई वायरल। एक महिला को डायन बताकर इस दबंगों ने की थी पिटाई। महिला के परिजनों को डराने के लिए कर रहे कट्टेबाजी। बांग्लादेश में एंटी नारकोटिक क्रैक डाउन अभियान में अब तक 96 की मौत। 12 मई 2018 से शुरू हुआ था अभियान। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा चुनाव से पहले की है ये साजिश। अंटार्कटिका पर शोध कर रहे वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता। बर्फ के नीचे से मिली 3 गहरी घाटियां। अफगानिस्तान में सुरक्षा बलों ने गलती से कर दी 9 नागरिकों की हत्या। मरने वालों में एक स्थानीय पुलिस कमांडर शामिल। 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर से उड़ान भरने वाली MH370 का नहीं मिला सुराग। 80,000 वर्ग किलोमीटर ढूंढने के बाद हुआ खोज बंद। काजोल ने द इनक्रेडिबल्स 2 के हिंदी वर्जन में हेलेन पारा का इल्दा स्टीगल के किरदार को दी आवाज। फिल्म को लेकर काजोल उत्साहित। कलंक के सेट पर आउट हुआ माधुरी का लुक। फिल्म देवदास वाली चंद्रमुखी से अलग है रोल। फिल्म काला का ट्रेलर हुआ रिलीज। नाना पाटेकर से भिड़ते हुए दिखे रजनीकांत। फिल्म संजू का नया पोस्टर हुआ रिलीज। अनुष्का का डिफरेंट लुक आया सामने। फिल्म जल्द मचाएगी धमाल। फिल्म पर्दे पर विजय माल्या बनेंगे गोविंदा। घोटाले पर बन रही है फिल्म रंगीला राजा। फिल्म परमारू ने किया बॉक्स ऑफिस पर धमाका। 4 दिनों में उम्मीद से अच्छी कमाई। 100 करोड़ के क्लब में हुई शामिल। केन विलियम्स ने स्वदेश लौटते ही फैंस को दिया धन्यवाद। कहा इस सीजन एक बड़ी टीम का प्रतिनिधित्व करने का मिला मौका। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। सौरभ गांगुली ने की धोनी की तारीफ। कहा इस सीजन धोनी ने न केवल जिताया मैच बल्कि अपने बल्ले से भी की धमाकेदार प्रदर्शन। शाओमी ने लॉन्च किया कम कीमत में प्रोजेक्टर। 120 इंच के स्क्रीन पर भी देख सकेंगे मूवी। कीमत करीब 42,200 रुपए के आसपास। बीएसएनएल और पतंजलि ने मिलकर लॉन्च किया स्वदेशी समृद्धि सिम कार्ड। 144 रुपए में मिलेगी 2 GB डेटा। ईरान ने मालवेयर वीपीएन फिल्टर के हमले की चेतावनी की जारी। मालवेयर घरों और कार्यालयों के रूटर्स को प्रभावित कर यूजर्स की जानकारी एकत्रित करने की साथ ही नेटवर्क को बंद करने में सक्षम। अनचाहे कॉल और SMS पर लगाम कसने के लिए होगा ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। TRAI ने जारी किए मसौदा नियम। ऑनलाइन खरीदारी पड़ी महंगी। फ्लिपकार्ट से मंगाई गई Redmi Note 5 मिला 9,999 रुपए में 3 साबुन। ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए citypostlive.com। बस एक क्लिक में सभी।